Hello guys, we are back again with another reaction video. So this we are on time, the fourth song of the Cold World album. And we are reacting एक ही साथ बैठ के बट अलग अलग डालने का plans है तो तुम लोग भी एक साथ ही ऐसे देख लेना. This is the industry talk. Yeah, Cold World official. Oh, this the name reminds me of Lil Nas ka. Okay, industry baby. Industry baby. Let's go. वहाँ coal भी था ना, Indian coal. There was Indian coal. The inspirations, we can see where it's coming Lil Nas from. Lil Nas is something else, yeah. Say that by mic pe. Wo wala yahan se try kare. मुझे मकसद क्या है, मैं उसे बोलूं यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है. इस खाल की मकान से तू रूह खींच ले, हाइट 5 फुट 8 दरा 10 फीट का है. खुदा बोला इस खाल की क्या बदन से तू रूह खींच ले, फिर हाइट और फिर 10 फीट ये जख्म, 5 फीट 8 हाइट और ये 10 फीट जख्म. मींस लाइक होल बॉडी इज इन पेन एंड जख्म में है, उससे ज्यादा जख्म है. डबल द जितना तुम्हारा बॉडी का हाइट है उससे डबल जख्म इन नंबर्स बट इन इमोशंस की पूरा बॉडी इज इन पेन. दैट्स व्हाट ही सेइंग. पहले लाइन ही ऐसे शुरू किया, मींस दिस इज द ओल्ड कलम बींग नोन फॉर की पेन. पेन से शुरू हुए बातें, लेट्स सी कहां हमें कितना पेन. दर्द इसमें मेरे को एक चीज बोलना है कि ऐसा बोला जाता है लेकिन साइकोलॉजी की अगर तुम्हारा फिजिकल बॉडी पेन में है और योर माइंड इज ऑल राइट, देन ये तुम्हें इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि तुम्हारा मेंटल पेन बहुत ज्यादा है बट योर फिजिकल बॉडी इज ओके. दैट मींस यू आर इन लाइक अ ग्रेटर पेन. इट्स नॉर्मल ना ब्रो कि माइंड ऑपरेट्स द बॉडी, तो अगर वही डिस्टर्ब है तो बॉडी तो वैसे भी कुछ मतलब अगर तुम्हारा बॉडी में कोई समस्या नहीं है स्टिल इट लाइक अफेक्ट. या दे गॉट इट, लेट्स गो. बोला कलम लोगों के तू दर्द खींच रहा है, जुदा होके चले हम सड़ा फल सींचना है. मुझे माँ से मेरी ममता सबर सीखना है, मेरा सर फटे रोज मुझे सर बीचना है. कैसे घूमते ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में गाने मीनिंगलेस. ओ माय गॉड, बैकग्राउंड में जो लेट्स गो ब्रो, 10 सेकंड पीछे करो, 10 सेकंड पीछे करो. वो पूरा ना एकदम सोल में ऐसे हिट किया. वो सब वाइब बनाता है गाने में. लेट्स गो. सीखना है मुझे माँ से मेरी ममता सबर सीखना है, मेरा सर फटे रोज मुझे सर बीचना है. कैसे घूमते ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में गाने मीनिंगलेस, सस्ते रैपर बजे फाड़ियों में. रफी का सीन मैंने खुद से संभाला था, आवाम जानती है कौन दर्द लाया सीन में. आवाज या वी में दर्द तेरा हकी, आवाम जानती है कि कौन दर्द लाया सीन में. लेट्स गो, एवरीवन नोज, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन लाया सीन में. एंड ही क्लेम्ड इट एंड ही सेड इट. लेट्स गो गाइस. तेरा फकीर में परंपरा जमीर में, कि कैसे भी हालात कभी मांगनी नहीं भीख है. कभी भी कोई पूछे हंस के कह दे सब कुछ ठीक है, भले ही रोले रातों को अकेले तक या भीज के, क्योंकि हंसेंगे पीठ पीछे तेरे साले नीचे. ये मांगे तेरे सपने तू ना सुनना, जैम जिंदगी ये एक बार मिलेगी तो जीना. इसको खुद के ढंग से मौला खुशियां रंग दे, बैम दिलो जो कट दे मेरा जिस्म पैरानॉइड. हरा खून का रंग है मेरे आस पास, मौत में तो खुदा का अंग है. मेरे आस पास मौत में ही दर्द का लंग्स है. आ मेरे जीने में तो मौला थोड़ी मदद कर, खुशियाँ भी दे दर्द भी दे पर इंसान तो परखा कर. तू क्या समझेगा मेरे हालात, तेरा नहीं टूटा घर. तू पत्थर से बना हुआ और मेरा तो पूरा पत्थर घर. मैं कल्ला नहीं दुखा द लेंच, मैं कल्ला हूँ खुदा द लेंच. वो कहता है कलम जो गाने बनाने, अगर यहाँ पर देगा तू छोड़ तो क्या ही सुनूंगा मैं. मैं क्या ही बचाऊँ माँ दुख दर्द से, मैं तेरे ही गानों से वाई बुलेरा यहाँ पे. उन गानों में दुखों का शोर है और फैंस भी छाती पे लिख रहे हैं नाम. और भारत में कलम का शोर है, भारत में कलम का शोर है, और भारत में कलम का शोर है. की काम है 247 मेरी मौत दिन आ गया. मैंने गानों में ऐसी बातें बोली जो किसी ने नहीं है बोली अपने गानों में है आज तक. मेरा सर ले जाता आज तक, हाथ काट देगा फिर भी लिखूंगा मैं लास्ट तक. सर कटा बाजू मैं छाती चौड़ी नाक तक, मेरा हक तो क्या छीनेगा पे चूती है. खुदा न है भेजा मुझे दर्द दे के कंठ पर, ये रंडी रोना छोड़ थोड़ा मर्द बन. अपनी माँ का तो ध्यान रख, अपने बाप की कमाई पे ना ध्यान रख. तू अकेला नहीं है सबको मिला दुख दर्द.
लेट्स गो ब्रो, भागते भाई, स्टॉप नहीं हो पाता। दर्द मेरा खुदा ने मेरे को भेजा है, दर्द मेरे कंठ पे, मींस लाइक आई एम स्पीकिंग तो वो दर्द निकलेगा कंठ, यू नो दैट्स लाइक ये वाली पार्ट। या भाई बहुत ज्यादा दर्द वाली बात है। और वो हुक जो आया एक पंजाबी में थोड़ा सा एक पार्ट, और उसके वो हो गया था। हुक इज क्रेजी, आई एक बहुत अलग हुक है एंड बहुत ज्यादा मजेदार यूनिक, बहुत अलग जो होगा ना भाई तुम्हारे कान में वो पता चलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। And let's go, track finish करते हैं bro। जो मेरा फैन बेस है ना ब्रो, I'll move a cult bro, कि like कलमिंग कहना लोग छूने के लिए तरसेंगे bro, I'll live to them, I'm healing lives, मैं जिंदगियां बचा रहा हूँ, and that is what Kalambik is for, and you are just witnessing a goat bro, a goat in making a legend forever, legit facts bro, बोल रहा है ना जो छूने को तरसेंगे, that what that says कि क्या फैन बेस है तुम्हारा, फैन नंबर। Kalambik is one of those artists that actually gives you goosebumps, actually अभी भी देख पाओगे, अभी भी देखो, like it actually like feel होता है, like वो बातें हिट करती है ब्रो, एंड विद दैट डिलीवरी बोलो तुम, टोन बोलो, हिट करती है बातें। एंड ही सेइंग कि दो तीन सालों में वो गोट तुम देख पाओगे, ऐसा कल्ट अभी भी फैन बेस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिकली। बट ब्रो एक पॉइंट, गाने का नाम है इंडस्ट्री टॉक, बट इंडस्ट्री की बातें तो इतनी हो ही नहीं, इट वाज ऑल अबाउट डार्क एंड पेन, या मे बी इट वाज अबाउट द पेन द इंडस्ट्री कॉज्ड हिम। लास्ट में जो बात बोली है ना शायद वो फेम वाली बात कि दो तीन साल में मैं रूल करूंगा, दैट उससे मतलब मीन दैट वाज लाइक अ वार्निंग और अ थिंग टू इंडस्ट्री, देख लो या वार्निंग नहीं, दैट्स लाइक कि अपना कॉन्फिडेंस रखना। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ इंडस्ट्री का लाइक हो सकता, बट वो हमको लगता है लास्ट की जो बात लूपहोल लगा, या तो मेरे को लास्ट का जो बात लगा वो इंडस्ट्री को लेके लगा, मींस लाइक वही वाली बात। Saying कि भाई फैंस तरसेंगे छूने को, तुम वो लेवल तुम समझ जाओगे, वो आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं, नंबर्स एंड स्ट्रीम्स एंड सब होंगे आर्टिस्ट के पास वायरल सॉन्ग्स में, बट वो कनेक्शन फैंस के साथ वो बहुत कम आर्टिस्टों के पास होता है एंड फैंस से होता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो दिस वाज आवर रिएक्शन गाइस, कैसा लगा? इट वाज डार्क, कलमिंग शुरू हुआ दर्द से, स्पेशलिटी कलमिंग जॉनर, या इट्स हिज जॉनर, दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर, या एंड फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम आई फेल्ट लाइक कि इट वाज डार्क बिकॉज ही Because we know कितने डार्क गाने वो बना चुका है, कितने डार्क वो बनाता है, like ईशा का 2.0, 3.0 depression, anxiety, she, yeah, you can see कितने डार्क गाने बनाता है, तो this was the first डार्क सॉन्ग लगाने को, you can like instantly recognize, okay, it's him, yeah, क्योंकि वो ये बातें करता है, and he is like ये जो भी लाइक उसको जो भी बोल रहा है कि तू बंदी रोने वाला रैपर है या तू इतना दर्द क्यों है, हाँ लाइक जो भी बोल रहा है मतलब सुनने को तो मिल रहा है ना मेरे को, जो भी बोल रहा है ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ दैट, ही इज प्राउडली सेइंग कि दिस इज व्हाट आई फेल्ट, दिस इज व्हाट कनेक्ट्स मी टू माय ऑडियंस, माय कल्ट, फैक्ट्स। तो दिस वाज आवर रिएक्शन गाइस, कैसा लगा तुम बताओ, और एल्बम सुनने में मजा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट मजा आ रहा है, इट्स बीन लाइक थोड़ा सक्सेस, फेम, अचीवमेंट ये सब बातें आते हैं, डार्क, या लिटरली वेंट ग्राफ वेंट फ्रॉम डार्क। तो बस कैसा लगा, तुम भी ऐसे, तुम भी कंटिन्यूअस वीडियोस देखते जाओ हमारे, एंड कैसा लगा सपोर्ट करो, लेट्स गो गाइस, लाइक कमेंट्स करो भाई, बातें करने में हमें भी मजा आता है, एंड लाइक्स तो कर ही दो, क्या जाता है भाई, तुम लोग आधा से ज्यादा बंदा सब्सक्राइब नहीं करते, आधा से 99% बंदे सब्सक्राइब नहीं करते जो देख रहे, विल पुट दैट इन आवर वीडियो, तो आए हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई।